दोस्तों आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के बीच आईपीएल का छठा मैच खेला जा चुका है, जहां इस मैच में बैंगलोर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और जब इसके बाद कोलकाता की तरफ से अचिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर पारी की शुरुआत करने उतरे तो इनको पहला झटका ही 14 रन के स्कोर पर आकाशदीप ने देते हुए वेंकटेश अय्यर को आउट कर दिया था और वेंकटेश अय्यर 10 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं जहां इसके बाद 32 रन के स्कोर पर कोलकाता को दूसरा बड़ा झटका मोहम्मद सिराज ने देते हुए अचिंक्य रहाणे को आउट कर दिया और रहाणे बस 9 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे थे नीतीश राणा और राणा ने आते ही पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया था, लेकिन इसके बाद 44 रन के स्कोर पर आकाशदीप ने उन्हें आउट कर दिया और नीतीश राणा 10 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं इसके बाद अगले ही ओवर में वरेंदु हसरंगा ने कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया और अय्यर बस 13 रन बनाकर आउट हुए। और वहीं इसके बाद 67 रन के स्कोर पर वरेंदु हसरंगा ने एक के बाद एक कोलकाता को दो झटके देते हुए सुनील नारायण और शेल्टन जैक्सन को आउट कर दिया, जहां नारायण 12 रन बनाकर आउट हुए थे तो वहीं जैक्सन तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, जहां कोलकाता की टीम के एक के बाद एक विकेट गिरे जा रहे थे। और इसके बाद 83 रन के स्कोर पर कोलकाता को सातवां झटका हर्षल पटेल ने देते हुए सैम बिलिंग्स को आउट कर दिया और बिलिंग्स 14 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ आंद्रे रसल काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको भी 99 रन के स्कोर पर हर्षल पटेल ने आउट कर दिया और रसल 25 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं इसके बाद 101 रन के स्कोर पर वरेंदु हसरंगा ने टीम सऊदी को भी आउट कर दिया और सऊदी बस 1 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां आखिरी में आकर वरुण चक्रवर्ती और उमेश यादव ने कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, लेकिन 128 रन के स्कोर पर आकाशदीप ने उमेश यादव को आउट करके कोलकाता की टीम को 128 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया, जहां उमेश यादव 18 रन बनाकर आउट हुए तो वही वरुण चक्रवर्ती 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। जहां इस मैच में बेंगलोर की तरफ से वरेंदु हसरंगा को 4 विकेट हाथ लगी, वहीं आकाशदीप ने 3 विकेट झटके, हर्षल पटेल को 2 विकेट हाथ लगी तो मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया। वहीं अब बेंगलोर की टीम को ये मैच जीतने के लिए 129 रन बनाने थे। और इसके बाद जब बेंगलोर की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में बेहद ही खराब रही, क्योंकि तीसरी ही गेंद पर उमेश यादव ने अनुज रावत को आउट कर दिया था और रावत अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। वहीं इसके बाद 17 रन के स्कोर पर बेंगलोर को दूसरा झटका टीम सऊदी ने देते हुए कप्तान फाफ डुप्लेसी को आउट कर दिया और डुप्लेसी 5 रन बनाकर आउट हुए। और इसके बाद अगले ही ओवर में उमेश यादव ने विराट कोहली को भी आउट कर दिया और कोहली 12 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां 17 रन के स्कोर पर ही बेंगलोर के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे, लेकिन इसके बाद डेविड विली और सरफर्ड रदरफोर्ड ने इसके बाद बेंगलोर की लड़खड़ाती पारी को संभाला और इन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद चौथे विकेट के लिए 45 रनों की पार्टनरशिप करी थी। लेकिन 62 रन के स्कोर पर बेंगलोर को चौथा झटका सुनील नारायण ने देते हुए डेविड विली को आउट कर दिया और विली 18 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे शहबाज अहमद और शहबाज अहमद ने इसके बाद सरफर्ड रदरफोर्ड के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 39 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी। जहां एक तरफ सरफराज अहमद काफी तगड़ी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी 101 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती ने शहबाज अहमद को आउट कर दिया और अहमद 27 रन बनाकर आउट हुए थे। और वहीं इसके बाद 18वें ओवर में टीम सऊदी ने सरफर्ड रदरफोर्ड और वरेंदु हसरंगा को आउट कर दिया था, जहां रदरफोर्ड 28 रन बनाकर आउट हुए थे तो वहीं हसरंगा 4 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बेंगलोर की टीम को आखिरी 2 ओवर में ये मैच जीतने के लिए 17 रन बनाने थे और 19वां ओवर वेंकटेश अय्यर डालने आए थे। और इस ओवर में हर्षल पटेल ने 2 चौके जड़कर टोटल 10 रन इस ओवर से बटोर लिए थे और इस वजह से बेंगलोर की टीम को आखिरी ओवर में ये मैच जीतने के लिए मात्र 7 रन चाहिए थे। और आखिरी ओवर रसल डालने आए थे और इस ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर छक्का चौका जड़कर दिनेश कार्तिक ने इस मैच में बेंगलोर को जीत दिलवा दी और बेंगलोर की टीम ये मैच 3 विकेटों से जीत चुकी है। जहां बेंगलोर की तरफ से दिनेश कार्तिक 14 रन बनाकर नॉट आउट रहे, वहीं हर्षल पटेल 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे।